नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना। माना कि एक गैस सिलेंडर है, उस सिलेंडर में आदर्श गैस भरी हुई है। वो सिलेंडर ऊपर से फ्रिक्शनलेस एवं वेटलेस पिस्टन से ढका हुआ है। जब इस गैस पर लगने वाला बाह्य दाब है वो कुछ मात्रा में हम कम कर दें, अनसूक्ष्म मात्रा में कम कर दें, तो गैस का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, प्रसार होगा। ठीक है ना। और ये एक्सपेंशन क्या बहुत ही कम मात्रा में होगा, अनसूक्ष्म मात्रा में होगा। तो इस अनसूक्ष्म मात्रा में एक्सपेंशन के कारण जो सिस्टम द्वारा कार्य किया जाएगा उसको हम जानते हैं क्या होता है, वो डी डब्ल्यू बराबर होता है माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। जी डब्ल्यू बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। अब हमने क्या किया है, जो बाह्य दाब था ना पी एक्सटर्नल, उसको हमने आंतरिक दाब था उससे हमने डी पी कम किया है, डी पी मात्रा में यानी बहुत ही कम मात्रा में कम किया है। तो वास्तव में क्या हो गया, जो पी एक्सटर्नल है वो क्या हो गया, पी एक्सटर्नल हो गया पी इंटरनल माइनस डी पी हो गया। यानी जो आंतरिक दाब है गैस का उस दाब में से डी पी दाब हमने कम कर दिया, तो ये अपना पी एक्सटर्नल प्राप्त हो गया। ये वैल्यू जो थी ना, ये वाली वैल्यू, ये कंडीशन किसके लिए, ये कंडीशन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो बाह्य दाब आंतरिक दाब है उसमें अंतर है वो डी पी होना चाहिए, तभी वो रिवर्सिबल कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है ना। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट अप कर देते हैं। ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी इंटरनल माइनस डी पी और भार है डी वी। इसको इक्वेशन को सोल्व कर लो आप, तो ये बन जाएगा माइनस पी इंटरनल डी वी और ये बन गया प्लस हो गया डी पी और डी वी। आप देखिए डी पी और डी वी दोनों ही क्या हैं, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा हैं। ठीक है ना। तो हम इनके मान बहुत सूक्ष्म होंगे तो हम इनके मान को अपन छोड़ देते हैं, समीकरण में हटा देते हैं। तो पीछे क्या रहेगा, पीछे रह जाएगा माइनस पी इंटरनल डी वी रह जाएगा डी डब्ल्यू बराबर। अब हम ये मानते हैं कि गैस का जो एक्सपेंशन होता है वो इनिशियल वॉल्यूम है ना, प्रारंभिक जो आयतन है इनिशियल वॉल्यूम वी वन से फाइनल वॉल्यूम में वी टू तक होता है। तो इस पूरे एक्सपेंशन में सिस्टम यानी गैस कितना कार्य करेगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण का इन लिमिट्स के मध्य इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन करने के पश्चात है डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी वन से वी टू पी इंटरनल डी वी हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखो हमने इसमें गैस क्या ली थी, शुरू में गैस ली थी हमने आदर्श गैस। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे आदर्श गैस समीकरण के अनुसार एन मोले, आदर्श गैस समीकरण की समीकरण क्या है, पी वी बराबर एन आर टी। यहाँ पी का क्या है, यहाँ पी इंटरनल है, आंतरिक दाब है गैस का, आदर्श गैस का दाब है वो पी इंटरनल, पी इंटरनल वी बराबर हो गया एन आर टी। तो पी इंटरनल क्या हो गया, पी इंटरनल इंटरनल बराबर हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी हो गया। ठीक है ना। ये जो पी इंटरनल वाला मान है वो इस समीकरण को यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, पुटअप करने से W इक्वल टू माइनस वी वन से वी टू एन आर टी अपॉन वी डी वी। अब देखिए आप इस समीकरण में n है नंबर ऑफ मोल्स हैं, कांस्टेंट है, r यहाँ पर क्या है गैस कांस्टेंट है, वही कांस्टेंट है। और ये प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस आइसोथर्मल है, समतापिक प्रक्रम है। इसका मतलब क्या होगा, टी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको अपन इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं, W क्या हो जाएगा माइनस एन आर टी वी वन से वी टू डी वी अपॉन वी हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा लोगे वी टू अपॉन वी वन, तो बन जाएगा माइनस
एन आर टी नेचुरल लॉग है एल एन वी टू अपॉन वी वन। ये क्या कौन सा लॉग है? नेचुरल लॉग है। इसको आप 10 के बेस के लॉग में कन्वर्ट कर दो तो क्या बन जाएगा, W बराबर माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वी वन। ये हो गया आपका वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना। इसके बाद देखो इसका एक रूप और है, वो क्या है कि चूंकि हम जानते क्या जानते हम कि पी वन वी वन बराबर होता है पी टू वी टू बॉयल के नियमानुसार, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इस समीकरण से क्या होगा, वी टू अपॉन वी वन का मान हो जाएगा पी वन अपॉन पी टू। आप वी टू अपॉन वी वन की जगह इस इक्वेशन में यहाँ पे पी वन अपॉन पी टू रख दो तो क्या बन जाएगा, W बराबर माइनस 2.303 एन आर टी लोगे पी वन अपॉन पी टू। ये क्वेश्चन भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में किए गए कार्य को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली और ये वाली, ठीक है ना। ओके थैंक यू।